नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। जाहिर है बिहार उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है, मोकामा आरजेडी जीत चुकी है, गोपालगंज बीजेपी जीत चुकी है, फिर भी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के आने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तो बिहार की सियासत में और बहुत खेल होने बाकी हैं, बिहार की सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है और जाहिर तौर पर इस वजह से बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आती रहेंगी। तो एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनको इन दिनों बीजेपी खूब भाव दे रही है, जिनकी एंट्री एनडीए में हो चुकी है, आधिकारिक ऐलान बाकी है, बीजेपी के लिए मोकामा में प्रचार किया, गोपालगंज में प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी पूरा श्रेय भी बीजेपी को दे रही है गोपालगंज में जीत का। खबर यह है कि उनके मंत्री बनने की जो खबर आई थी, मंत्री बनने की चर्चा थी, मंत्री बनने को लेकर जो खबर थी, और बनना है उनको मंत्री, मंत्री बनना चिराग पासवान का तय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपडेट है। जो जानकारी हमें हमारे सूत्रों ने दी है, हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, वो जानकारी यह है कि चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस के रहते मंत्री नहीं बनने को तैयार हैं। चिराग पासवान के शर्तों का जिक्र हुआ था, चिराग पासवान की शर्तों को लेकर खूब चर्चा थी पिछले महीने, एक दो महीने पहले चिराग पासवान ने शर्त रखी है एनडीए में एंट्री की। चिराग पासवान उसको नकारते रहे कि हमने कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन एक जानकारी अभी आ रही है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस के रहते मंत्री नहीं बनना चाहते, उनकी विदाई चाहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और एक शर्त उन्होंने रख दी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। बहुत शुरुआती जानकारी है, हमारे सूत्रों ने हमें यह जानकारी दी है और इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। और अगर चिराग पासवान ने यह शर्त रखी है, हम ये नहीं कह रहे हैं और बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चाचा पशुपति कुमार पारस को बीजेपी मंत्रिमंडल से हटा देगी, चाचा पशुपति कुमार पारस को बीजेपी एनडीए से आउट कर देगी, नहीं, हम ये नहीं कह सकते और हम अभी ये कहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने अगर ये शर्त रखी है, जो कि हमें जानकारी मिल रही है, और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को भाव दे रही है, और कैसे भाव दे रही है, राम सूरत राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने गोपालगंज में जीत का श्रेय चिराग पासवान को दिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान को खूब भाव दे रहे हैं, पशुपति कुमार पारस जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, बीजेपी के दूसरे सहयोगी हैं, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने भी प्रचार किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी ताकत लगाई, पशुपति कुमार पारस को कोई क्रेडिट नहीं मिला, उनको कोई श्रेय नहीं मिला, उनकी चर्चा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही है चिराग पासवान को, और जिस तरह से भाव दे रही है, अगर चिराग पासवान ने यह शर्त रखी है कि चाचा मंत्रिमंडल से हटेंगे तब वो मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने को राजी नहीं है, बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, चिराग पासवान नहीं माने तो पशुपति कुमार पारस की राह मुश्किल हो सकती है। हम कह रहे हैं राह मुश्किल हो सकती है, मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, एनडीए से विदाई होगी, हम नहीं जानते, लेकिन राह मुश्किल जरूर हो सकती है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी चिराग पासवान को भाव दे रही है, पशुपति कुमार पारस की टेंशन या उनकी पार्टी के लोगों की टेंशन वैसे भी बढ़ी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।